हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है भाइयों कि आज चलते हैं रांची। रांची क्यों चलते हैं? क्योंकि आज हमारे पार्टी का एक प्रदर्शन है। आप लोग देख के वीडियो को समझ जाइएगा अच्छे से कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। और चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं रांची, खाते हैं, पीते हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं, वो चीज़ सारा चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल को, जो लोग नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाइयों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि है मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। I'm sorry.
जिंदाबाद जिंदाबाद होश में आओ लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है ये भव्य इस बार स्थापना दिवस मनेगा और हमारे आग्रह पर आदरणीय देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि भी हमारा स्वीकार किया है। इसके लिए भी बहुत बहुत मोटी मोटी धन्यवाद देते हैं और इनको मालूम है कि आज किस तरीके से वर्तमान सरकार राज के लिए काम कर रही है इसको कैसे रोका जाए। ये एक एक प्रकार इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर झूठे केस में फर्जी केस में डाल रखा है और वो भी कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है और वो दूर नहीं आज इसी के लिए कैसे हम और नया नया षड्यंत्र रचे। तो चलो भाई आज सोनिया पुस्ताद का मतलब क्या होता है पुस्ताद का अगर आपको पता है गुनाकार बहन और आज तो हम गवर्नर साहब जो लिफाफा लेके घूम रहे हैं हम तो पहले देश का मुख्यमंत्री होगा तो हमने कहा जो सजा इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो सुना के दिखा दो फिर भी आज तक वो लिफाफा इनका खुल नहीं पाया और ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। ये लोग बड़े सुनियत तरीके से अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब नियत साथ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है लेकिन नियत बेमान हो तो ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं देता है। नतीजा ये है कई बार सरकार गिराने का साजिश हुआ लेकिन हर बार इनको मौकी खानी पड़ी। इसलिए साथी यहाँ स्कूल बस वगैरह भी फंस रहा है हम लोग नहीं चाहेंगे बच्चों का और ज्यादा यहाँ समय जाया करे इसलिए तैयार रहे अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। इन्हीं बातों के साथ जय झारखंड जय झारखंड कैसे लिया झारखंड लड़क लिया झारखंड कैसे लेंगे अधिकार लड़क लेंगे अधिकार। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सबको माननीय पनीर का सब्जी और नान दाल ज्यादा खा रहे ही नहीं है। लड़ लिया है झारखंड
नहीं चलेगी बीटी की चैन नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेमंत भैया मत घबराना हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर मिथिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ पलामू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इन लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? तो चिट्ठी जिसमें झारखंड के हमारे मजदूर काम करते हैं, झारखंड के व्यवसाय को पैसा कमाते हैं, बालू बालू पूरा लूट लिया पांच साल में, आपके मन में विधायक हल्ला कर रहा है, रोड पर विधवा विलाप कर रहा है, विधायक पांच साल में खाली ठेकेदारी और बालू का स्मगलिंग का काम किया। हम लोग अपना आंख से देखते थे कि 30 चक्का 20 चक्का 14 चक्का गाड़ी उनका गांव टोला में लगा रहता था बालू लोड कर करके, और सारा बालू यूपी और बिहार भेज के करोड़ों रुपया कमाने का काम किया और जनता को उनके हाथ पर छोड़ देने का काम किया। आज जब दाल है, आज जब नहीं कर पा रहे हैं घोटाला, नहीं कर पा रहे हैं बालू का स्मगलिंग, तो अब दूसरों पर इन लोग आरोप लगा रहे हैं।